हेलो गाइस, तो ये देखिए एक नया फिश खरीद कर लाया हूँ गाइस, बहुत भारी है। देखिए कितना बड़ा फिश है गाइस। मैंने शॉपकीपर को बोला था कि आप इतना बड़ा रैपर क्यों दे रहे भैया, तो उन्होंने कहा कि आपका मछली भी तो बहुत बड़ा है जो आप लिए हैं। तो ये बहुत बड़ा मछली है गाइस, ये कोई कार्प है। देखिए ये बहुत बड़ा है गाइस, और लग रहा है जैसे कि पॉलीथीन को फाड़ के निकल जाएगा। तो उन्होंने भैया ने क्या किया कि देखिए गाइस, यहाँ पर रबर लगाया और इतना ज़्यादा एयर दिया है अंदर में। तो मैंने बोला कि इतना एयर देने का क्या मतलब है, तो उन्होंने कहा कि देखिए गर्मी का मौसम है तो, और आप फिश को बहुत दूर लेकर जा रहे हैं तो एयर होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पानी आप दे रहे हैं ठीक है, पर कुछ एयर देना ज़रूरी है, नहीं तो फिशेस को ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा। ये एयर क्या होता है गाइस कि वाटर में जाके डिसॉल्व हो जाता है, तो उसमें से जो ऑक्सीजन होता है तो फिश उसको इनटेक कर लेते हैं। तो ये बहुत टाइट बांध कर दिया था गाइस, पर लाते लाते थोड़ा सा लूज हो गया, आप देख सकते हैं। और फिश को देखिए गाइस, कितना बड़ा फिश है। देखिए गाइस सामने से ये बहुत बड़ा फिश है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जैसा कि मेरा एक यहाँ एक्वेरियम है, पर ये एक्वेरियम के लिए ये फिट नहीं है गाइस। तो एक है यहाँ पर पॉन्ड है, मैंने एक पॉन्ड भी बनाया है। तो अभी जैसे कि पिंक लाइट है, वाइट लाइट लगा देने पे और खूबसूरत दिखेगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस पॉन्ड में डाल दूँ। तो देखिए सबसे पहले इस तरह से रखना पड़ता है गाइस, 10 मिनट के लिए ऐसे रखना पड़ता है, क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन हो जाए। मैंने एक्वेरियम वाले भैया से बोला था कि क्या मैं पानी तो फेंक दूंगा, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आपको पानी फेंकने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे पानी हमेशा समझिए कि नया ही रखता हूँ। तो इस तरह का कोई बैक्टीरिया वायरस या जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा वो ऐसा नहीं है मतलब मेरे वाटर में। तो आप इस पानी को भी डाल सकते हैं, तो मैं ये पानी को भी इस पॉन्ड में डाल दूंगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं हमेशा पानी रिफ्रेश रखता हूँ। तो हो सकता है वो रिफ्रेश ही रखता हो, क्योंकि मैंने देखा तो पानी यहाँ क्लीन ही था। तो 10 मिनट के लिए ऐसा रख दूंगा, फिर उसके बाद मैं इस पॉन्ड में डाल दूंगा। तो देखिए गाइस, फाइनली मैंने डाल दिया है इस पॉन्ड पर, आप देख सकते हैं। एक ऐसा ही कोई था मेरे पास पहले भी, तो मैंने उसे घर में रख दिया था। घर में एक छोटा सा एक्वेरियम है, छोटा नहीं मतलब उतना बड़ा एक्वेरियम है गाइस। तो मैं इस फिश को यहाँ पर रख दिया हूँ, उस फिश को। तो मैंने एक नया फिश, उसी तरह से एक नया फिश लाया हूँ, देख सकते हैं गाइस, अभी नया नया आया है, तो थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा इसको कि क्या करें। नया जगह आने पर इधर उधर जा रहा है, थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहा है गाइस, आप देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही गाइस, आप कमेंट में बताएं कि और कौन कौन सा फिश इसमें डाल सकते हैं। दरअसल ये कोई पॉन्ड ही है, तो किस तरह का कोई डाल सकते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं गाइस। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें गाइस। आप लोग चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, तो मुझे भी हिम्मत मिलता है। और तब तक के लिए बाय गाइस, एक नया अपडेट जब तक लाऊँगा तब तक के लिए बाय।